हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की मसालेदार गॉसिप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नोटबुक का पहला रोमांटिक गीत नहीं लगता हुआ रिलीज। सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म नोटबुक का पहला गाना रिलीज कर दिया है। नहीं लगता एक रोमांटिक गीत है जिसमे नवोदित जहीर इकबाल और प्रनूतन की प्रेम कहानी देखने को मिल रही है। इस गीत की रचना विशाल मिश्रा ने की है और उनके साथ मिपकर आशीष कौर ने इसे अपनी आवाज दी है। साथ ही विशाल मिश्रा ने पहली बार पूरे फिल्म एल्बम की रचना की है। गाना शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम नोटबुक, नहीं लगता, लिसन एंड फील द लव। दिल छू लेने वाले इस गीत में कबीर और फिरदौस की अनोखी और अपरंपरागत प्रेम कहानी पेश की गई है। हाल ही में फिल्म की मुख्य जोड़ी जहीर इकबाल और प्रनूतन ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों को प्रत्याशित करते हुए इस रोमांटिक गीत के लिए तैयार किया था। कश्मीर की पृष्ठभूमि में स्थापित नोटबुक दर्शकों को एक रोमांटिक सफर पर ले जाएगी, जिसे देखकर आपके जहन में सवाल उमड़ पड़ेंगे कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ सकते हैं जिससे आप कभी मिले नहीं हैं। अभिनेता जहीर खान अपने परिवार से एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। फिल्म दुनिया में कदम रखने से पहले डेब्यूटेंट अभिनेत्री प्रनूतन पेशे से एक वकील थी, लेकिन वह हमेशा से एक अभिनेत्री बनने की आकांक्षा रखती थी और अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें वकालत छोड़ने के लिए प्रेरित किया और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। नोटबुक को कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में फिल्माया गया है, जिसमें दो प्रेमी फिरदौस और कबीर की प्रमाणिक प्रेम कहानी के साथ साथ बाल कलाकारों की दमदार कास्टिंग देखने को मिलेगी, जो कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित यह फिल्म सलमान खान, मुराद खेतानी और अश्विन वर्दे द्वारा निर्मित है। फिल्म नोटबुक 29 मार्च 2019 को रिलीज होने के लिए तैयार है। देखा आपने, थी ना मजेदार स्टोरी। और ऐसे ही फिल्मी स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की तमाम खबरों से अपडेट।